तो भाई लोग आज बात करेंगे हम जजमेंट डे के बारे में। भाई ये ग्रुप ऐसा ग्रुप है जिसकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल स्काई रॉकेट है आज के दिन में WWE के अंदर। पर भाई क्या मेन रीज़न रहा कि भाई ये न्यू जजमेंट डे भाई वो ग्रुप थोड़ा फेल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पर करीबन 2 महीने हो चुके हैं इनका स्प्लिट हुए और भाई यहाँ पर न्यू जजमेंट डे फॉर्म हुए, पर भाई यहाँ पर कुछ भी ऐसा निकल के नहीं आया है जिससे देखने को लगे कि हाँ भाई स्टोरी लाइन आगे बढ़ रही है। यहाँ पर भाई सिर्फ ब्लिम मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो की स्टोरी ऐसी है जिसको लेकर सब इंटरेस्टेड है, बाकी जितने भी मेंबर हैं न्यू जजमेंट डे में खासतौर पर भाई उनके खुद के लीडर खुद पॉपुलर नहीं हो पा रहे, मतलब जो हमारे फिन बेलर हैं भाई उनकी स्टोरी लाइन में कोई इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा है। यहाँ पर फिन बेलर वर्सेस हमारे डेमियन प्रिस्ट का मैच तो हो रहा है, पर भाई यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट किसी को आ नहीं रहा है और भाई देख के लग रहा है कि इनकी स्टोरी लाइन सिर्फ ड्रैग करी जा रही है। शायद हो सकता है कि भाई यहाँ पर नेटफ्लिक्स का मर्जर होने वाला है रॉ के साथ, तो भाई जब तक यहाँ पर जजमेंट डे की स्टोरी लाइन कंटिन्यूसली दिखाई जाए हो सकता है कि भाई उसको जब तक ड्रैग किया जाए। यहाँ पर देख के तो लग रहा है कि भाई यहाँ पर बैड ब्लड पेपर व्यू जिस तरीके से थीम सेट करा है तो भाई देख के तो लग रहा है कि यार यहाँ पर इनका फाइनल मैच हो सकता था रिया रिपली और लिव मॉर्गन का, पर भाई अब तो यहां पर सुनने में यही आ रहा है कि भाई इनका और ट्रैक होने वाली स्टोरी लाइन। और भाई उसके अलावा भी एक मेंबर को जबरदस्ती यहां पर खींचा जा रहा है, वो हमारे जे उसो भाई, इनको मेन इवेंट करना है और भाई ये रिया रिप्ली के पीछे पड़े हुए हैं। भाई ये बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई यहां पर रिया रिप्ली के पीछे पड़े हुए हमारे जे उसो, पर भाई यहां पर उनको है ना अभी हाल फिलहाल में जो जरूरत नहीं है। भाई ये बंदा है ना मेल सुपरस्टार है और भाई ये डोमिनेट कर सकता पूरे रोस्टर को, और भाई आपको पता ही होगा हाल ही में ये है ना हमारे न्यू IC चैंपियन भी बने हैं, तो भाई इनको यहां पर खुद के रेन पे फोकस करना चाहिए। पर भाई ये है ना जबरदस्ती जजमेंट डे की स्टोरी लाइन में घुस रहे हैं, भाई इनकी वजह से WWE वैसे काफी बड़ा सेक्रीफाइस कर चुकी है और भाई वो सेक्रीफाइस थे हमारे ब्रॉन ब्रेकर। भाई ये बंदा प्रॉपर हमारा है ना फ्यूचर सुपरस्टार है, भाई लिख के रख लीजिए अगला रोमन रेंस से हमारे ब्रॉन ब्रेकर, और भाई सिर्फ उनको इस वजह से हरवाया गया क्योंकि भाई यहाँ पर हमारे जे उसो है ना चैंपियनशिप जीता और भाई यहाँ पर जे उसो अपना रिया रिप्ली के साथ अलग ही फंडा लेके बैठे हैं, तो भाई सबसे पहले तो इनको अलग करना चाहिए यहाँ पर हमारे रिया रिप्ली से। भले भाई यहाँ पर पॉपुलरिटी कितनी मिले पर भाई यहाँ पर बिल्कुल फोर्स्ड लग रहा है, भाई ऐसा लग रहा है जबरदस्ती बनाया जा रहा है और भाई यहाँ पर इनकी वजह से इतना बड़ा फ्यूचर सुपरस्टार को अपना चैंपियनशिप रेन एंड करना पड़ा, तो अब भाई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है देखना कि भाई यहाँ पर इनका रेन का भी क्या होगा। हो सकता है कि भाई यहाँ पर जे उसो रसलमेनिया तक अपना टाइटल रेन चलाते रहे और भाई पूरी जजमेंट डे की जितनी भी स्टोरी लाइन है भाई वो पूरी चलती रहे हमारे रसलमेनिया तक, तो भाई ये तो काफी मतलब खतरनाक सीन हो जाएगा। तो भाई देखना अब इंटरेस्टिंग हो चुका है भाई कि बैड ब्लड के बाद क्या हमारी जजमेंट डे की स्टोरी लाइन कंटिन्यूस रहने वाली है कि नहीं, क्योंकि भाई यहाँ पर जजमेंट डे को मुझे लगता है कि सिंगल रन में जाना चाहिए जहाँ पर वो पूरी रोस्टर को डोमिनेट करे, क्योंकि भाई उस लेवल के बंदे भी हैं इस रोस्टर में और भाई इसके ग्रुप में। सो गाइस आज का आपकी वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रसल अल्टीमेट को ऐसे ही और कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल पर।